सम्मान्य शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, आज के इस कालखंड में हम निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो चौथा मॉड्यूल दिया गया है, चौथा मॉड्यूल में जेंडर संवेदनशीलता के अंतर्गत प्रच्छन्न पाठ्यक्रम, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम जिसको कि अंग्रेजी में हम कहते हैं हिडन करिकुलम, ठीक है, ये क्या है इसके संदर्भ में जानते हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें शब्द की प्रच्छन्न, तो प्रच्छन्न का मतलब होता है गुप्त, छिपा हुआ, ठीक है। अंग्रेजी का शब्द हिडन, हिडन का मतलब भी होता है छिपा हुआ या गुप्त। तो हमारे विद्यालय में कुछ ऐसे पाठ्यक्रम भी चलते हैं जो गुप्त रूप से चलते हैं, जिनको हम औपचारिक रूप से बच्चों को नहीं पढ़ाते, किंतु व्यवहार या संकेतों के माध्यम से विद्यार्थी समझ लेते हैं, ठीक है। तो वह कहलाता है हिडन करिकुलम या प्रच्छन्न पाठ्यक्रम। तो देखिएगा, इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैंने यहां लिखी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि प्रच्छन्न पाठ्यक्रम क्या है। जब विद्यालयीन शिक्षण प्रक्रिया में औपचारिक शिक्षा के अलावा कुछ ऐसे क्षेत्रों का ज्ञान अर्थात जानकारी जो अनौपचारिक रूप से संकेतों या व्यवहार के माध्यम से विद्यार्थियों को प्रदान किया जाता है, वह प्रच्छन्न पाठ्यक्रम या हिडन करिकुलम कहलाता है। साथियों, जैसा कि मैंने पूर्व में ही आपको बताया कि हिडन पाठ्यक्रम होता क्या है, देखिएगा, हमारी जो स्कूली शिक्षा प्रक्रिया है उसमें जो औपचारिक शिक्षा है, जितने विषय हम औपचारिक रूप से हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उसके अलावा कुछ ऐसे और भी क्षेत्र हैं जिनके बारे में हमको विद्यार्थियों को अपने संकेत या व्यवहार के माध्यम से हम उनको उन बातों को सिखाते हैं या उन बातों को अपने विद्यार्थियों के अंदर उनकी समझ में लाते हैं, ठीक है। तो ऐसा पाठ्यक्रम कहलाता है हिडन पाठ्यक्रम या प्रच्छन्न पाठ्यक्रम कहलाता है, ठीक है। देखिएगा, हिडन करिकुलम से संबंधित जो क्षेत्र हैं, अर्थात किस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, किस प्रकार की बातें जो हैं, वो हिडन पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं, उसके बारे में समझ लेते हैं और इसको हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे अभी। तो देखिएगा, प्रच्छन्न पाठ्यक्रम में भी सभी प्रकार के व्यवहार या संदर्भ और दृष्टिकोण शामिल रहते हैं जो अनजाने में छात्र छात्राएं स्कूली प्रक्रिया में अपना लेते हैं। वे जो कुछ सीखते हैं वह औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। साथियों, हिडन पाठ्यक्रम के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जो बालक और बालिकाओं में एक भिन्नता को दर्शाते हैं, ठीक है। साथ ही बहुत सारे जो क्षेत्र हैं, संदर्भ हैं, उसके अंतर्गत और साथ ही हम बात करें तो जो दृष्टिकोण है, नजरिया है, सोचने का, समझने का, तो इससे संबंधित कुछ ऐसी बातें, कुछ व्यवहार होती है जिनको विद्यार्थी जाने अनजाने अपना लेते हैं स्कूली प्रक्रिया में। अभी इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। और ये जो कुछ भी मतलब बच्चे सीख जाते हैं, मान लो, तो ये हो सकता है कि हमारे औपचारिक पाठ्यक्रम का हिस्सा हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें खास बात बता दूं आपको कि जो जेंडर संवेदनशीलता है या जेंडर से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो हिडन करिकुलम के अंतर्गत ही आती हैं, अर्थात प्रच्छन्न पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही रखी जाती हैं। देखिएगा, प्रत्यक्ष तौर पर हम जेंडर से संबंधित जानकारी बच्चों को नहीं देते, किंतु अपने आचार विचार और व्यवहार से हम ऐसे संकेतों के माध्यम से बच्चों को इसकी जानकारी प्रदान कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कक्षा में हम विद्यार्थियों को, पालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाते हैं, ठीक है। तो यहीं पर बात ये मतलब एक व्यवहारिक रूप से बच्चों के अंदर जाता है कि ये जो जेंडर से संबंधित जानकारी है ना, जेंडर के अंदर जो समझ है वो। इसके अलावा टॉयलेट्स भी अलग अलग बनाते हैं, बालिकाओं के लिए अलग, बालकों के लिए अलग, ठीक। तो इस प्रकार के जो हमारे व्यवहार हैं या हमारे जो क्रियाकलाप हैं, स्कूली गतिविधियां हैं, उससे बच्चे इन बात को समझ लेते हैं, तो यही तो हिडन करिकुलम कहलाता है। अब देखिएगा, आगे हम बात करें, जेंडर प्रच्छन्न पाठ्यक्रम के द्वारा कुछ माध्यमों से प्रदर्शित होता है। देखिएगा,
प्रचंड पाठ्यक्रम में जो जेंडर से संबंधित जानकारी या जेंडर से संबंधित जो बातें हैं वो कुछ माध्यमों के द्वारा प्रदर्शित होती है। अब वो माध्यम क्या क्या है उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिएगा यहां पर सबसे पहला है कि भौतिक संसाधनों का विभाजन, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया, भौतिक संसाधनों का विभाजन हम अपनी कक्षा के अंदर ही बालक बालिकाओं को अलग अलग बिठाने की व्यवस्था कराते हैं, ठीक है। इसके अलावा विद्यालय में जो टॉयलेट्स वगैरह हम बनाते हैं बालिकाओं के लिए अलग, बालकों के लिए अलग बनाते हैं, है ना। तो ये भौतिक संरचनाएं ही जो हैं वो जेंडर संवेदनशीलता को प्रदर्शित करती हैं। तो यहां बालक बालिकाएं सीख लेते हैं या इसको अपना लेते हैं, ठीक है। जैसे प्रार्थना सभा जब होती है तो प्रार्थना सभा में बालिकाएं अलग लाइन में खड़ी होती हैं, बालक अलग लाइन में खड़े होते हैं, ठीक है। ये बातें हम बच्चों को सिखाते नहीं, किंतु वे धीरे धीरे करके सीख जाते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो भौतिक संसाधन है, भौतिक संसाधनों में टॉयलेट्स वगैरह अलग अलग होना या कक्षा में बैठक व्यवस्था अलग अलग होना, ये इस माध्यम से ही ये प्रदर्शित हो जाता है जेंडर संवेदनशीलता। इसके बाद देखिएगा कार्य विभाजन, लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कार्य, शिक्षक के द्वारा कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो बालिकाओं को प्रदान कर दिए जाते हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बालकों को प्रदान कर दिए जाते हैं। तो ये कार्य विभाजन भी, ठीक है, जेंडर को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, जो कि एक हिडन करिकुलम का हिस्सा है, ठीक। इसके अलावा हम बात करें आगे तो बालक बालिकाओं के भिन्न भिन्न अनुष्ठान व अभ्यास। देखिएगा कई तरह से बालक और बालिकाएं कई तरह के क्रियाकलाप करते हैं, अलग अलग गतिविधियां करते हैं। उदाहरण के तौर पे यदि मान लो किसी विद्यालय में सिलाई कढ़ाई भी अगर सिखाई जाती है तो बालिकाओं को सिलाई कढ़ाई सिखाई जाएगी विशेष तौर पर, है ना, और बालकों को दूसरे कार्य करवाए जाते हैं। तो ये कि जेंडर संवेदनशीलता से संबंधित ही है, यानी बालिकाओं को अलग, बालिकाओं को कुछ अलग तरह के कार्य करवा दिए जाते हैं या अभ्यास कार्य अलग तरीके से करवाए जाते हैं और बालकों से अलग तरीके से करवाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा लिंग आधारित पुरस्कार और सजा। अब देखिएगा लिंग आधारित पुरस्कार और सजा, आजकल तो खैर विद्यालय में सजा का कोई प्रावधान है नहीं है, ठीक है, किंतु पूर्व में जब सजा का प्रावधान होता था, मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहता हूं। जैसे मान लो किसी बालक या बालिका ने अभ्यास कार्य नहीं किया या गृह कार्य नहीं किया है तो सजा के बतौर अलग अलग तरीके के सजाएं दी जाती थी। पूर्व की बात कर रहा हूं, आजकल तो ये सब बंद है। तो जैसे बालकों को मुर्गा बना दिया जाता था जबकि बालिकाओं को ऐसी सजा नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो यहां पर सजा की हम बात करें, इसी प्रकार पुरस्कार, तो पुरस्कार भी अलग अलग तरीके से, मान लो अगर हम किसी बच्चों को, यदि हम बच्चों को गिफ्ट देना चाहते हैं किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, तो खेल से संबंधित मान लो अगर हम पुरस्कार दे रहे हैं तो बैट और बॉल जो बाल है हम बालकों को प्रदान कर देंगे, है ना। और वहीं पर यदि हम बालिकाओं की बात करेंगे तो बालिकाओं के लिए कुछ उनके उपयोगी सामग्री हम प्रदान कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पुरस्कार और दंड के माध्यम से भी हम जेंडर जो संवेदनशीलता है उसको अभिव्यक्त कर लेते, जो कि एक हिडन पाठ्यक्रम का ही अंग है, ठीक। और आगे हम बात करें तो अनुशासित करने की रणनीतियों में भिन्नता। देखिएगा बालक बालिकाओं को विद्यालय में अनुशासित करने के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियां तैयार की जाती है, तो यहां इसके माध्यम से भी जेंडर संवेदनशीलता अभिव्यक्त होती है। आगे हम बात करेंगे शिक्षकों द्वारा लेबल पैटर्न। तो देखिएगा शिक्षकों के द्वारा भी बालक बालिकाओं को अलग अलग तरीके से उनका व्यवहार किया जाता है। अच्छा, हम अभी बात करें मान लो ड्रेस कोड की या यूनिफॉर्म गणवेश की, तो बालिकाओं के लिए कुछ अलग गणवेश होती है, बालकों के लिए कुछ अलग तरीके की गणवेश होती है। रंग एक सा हो सकता है किंतु उनकी जो बनावट है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से परस्पर बातचीत, देखिएगा शिक्षक छात्र बातचीत, छात्र छात्र बातचीत, इसके माध्यम से भी, यानी बातचीत के माध्यम से भी हम जेंडर संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखते हैं और यहां पर प्रदर्शित हो जाती है जेंडर संवेदनशीलता। तो हिडन पाठ्यक्रम में हम जेंडर से संबंधित बच्चों को ज्ञान कराते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम उनको नहीं बताते, किंतु हमारे व्यवहार की वजह से, कार्यों की वजह से या कुछ ऐसी गतिविधियां क्रियाकलाप बालक बालिकाओं से अलग अलग कराए जाते हैं जिसके माध्यम से हम जो जेंडर के बारे में बच्चों को जानकारी दे देते हैं कि ये बालक है ये बालिका है और बालक बालिका फिर इसको अपना भी लेते हैं। तो साथियों, इस कालखंड में
मैंने आप लोगों को प्रच्छन्न पाठ्यक्रम के बारे में बहुत संक्षेप में जानकारी प्रदान की है। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। आज के कालखंड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले किसी नए कालखंड में नए प्रकरण के साथ। तब तक के नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।